गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? और बच्चों, जैसे कि आपको पता है, इस समय हमारी जो यूनिट चल रही है वो चल रही है यूनिट नंबर 10, जो है हमारी इकोलॉजी। इकोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, ये है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इस चैप्टर के अभी तक टोटल हम लोगों ने 2 लेक्चर्स लगाए हैं, और आज जो बात करेंगे हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 की। और इसमें इस लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे रेगुलेटर्स की, रेगुलेटर्स क्या होते हैं, और कन्फर्मर्स की, कन्फर्मर्स का एक टाइप है सस्पेंड। तो इन सभी टर्म्स को आज हम लोग क्लियर करेंगे इन डिफरेंस ऑफ एबायोटिक फैक्टर। जो ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट और एनिमल्स, जब इनका इंटरैक्शन होता है अपने एबायोटिक फैक्टर से, तो किस तरीके से इनके बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं, इसके आधार पर ये टर्म्स दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को और समझते हैं इन टर्म्स का मतलब कि कहां पर ये टर्म्स यूज होंगे और किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स के लिए टर्म्स यूज किए जाएंगे। सबसे पहले, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में, रिस्पांस टू एबायोटिक फैक्टर। हम लोगों ने अभी तक कई एबायोटिक फैक्टर्स की बात करी है, चाहे टेम्परेचर की बात हो, लाइट की हो, वाटर की हो, या सॉइल की हो। यहां पर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि इस फिगर में जो आप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें एक्चुअली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है ऑर्गेनिज्मिक रिस्पांस का, कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट और एनिमल, वो जिस एनवायरमेंट पे रह रहे हैं, जिन एबायोटिक फैक्टर के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, उसमें वो किस तरीके के रिस्पांस दिखाते हैं, और रिस्पांस दिखाने के आधार पर ये जो टर्म्स है रेगुलेटर और कन्फर्मर्स दिए जाते हैं। अगर यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों कि रेगुलेटर्स की, कि किन ऑर्गेनिजम्स को हम रेगुलेटर्स बोलते हैं, तो देखिए यहां पर 2 एक्सिस दिया गया है। इस एक्सिस में दिखाया गया है बॉडी के अंदर का इंटरनल लेवल, और इस एक्सिस पे दिखाया गया है एक्सटर्नल लेवल, मतलब बॉडी के बाहर का जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लेवल। अगर हम बात यहां पर रेगुलेटर्स की करें, तो आप देखिए कि अगर एक्सटर्नल लेवल, अगर यहां पर हम मानते हैं 0, और यहां पर मानते हैं कि यहां पर देखिए एक्सटर्नल लेवल में चेंजेस आया, लेकिन चेंजेस आने के बावजूद यहां पर आप देखिए लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है। देखिए फिर यहां पर चेंजेस आया, लेकिन अभी भी लाइन कैसी है, सीधी है। यहां पर देखिए एक्सटर्नल लेवल फिर इंक्रीज किया, लेकिन यहां पर अभी भी लाइन सीधी है। यहां पर आप देखिए, यहां पर भी लाइन क्या है, सीधी है। इसका मतलब क्या है कि रेगुलेटर्स में वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, चाहे एक्सटर्नल लेवल किसी भी तरीके से चेंजेस हो, लेकिन उनके अंदर का इंटरनल लेवल, या हम बोल सकते हैं इंटरनल एनवायरमेंट्स, विल बी रेगुलरली कांस्टेंट। उनके अंदर का जो लेवल है वो रेगुलरली कांस्टेंट रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे अगर हम बोले कि मान लीजिए बाहर यहां पर टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, अगर टेम्परेचर यहां से यहां इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर हम बात करें रेगुलेटर्स में मुख्यतः मैमल्स की और उसमें भी मुख्यतः ह्यूमन की, तो हमको पता है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड हम मेंटेन कर पाएंगे, चाहे हम 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो या हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचे, तब भी हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसी मैकेनिज्म है कि हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो अगर टेम्परेचर को मेंटेन करना है बॉडी के अंदर, तो निश्चित रूप से आपको क्या खर्च करना होगा, आपको एटीपी खर्च करना होगा। और एटीपी खर्च करने का मतलब क्या है कि एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसीलिए इस पूरी दुनिया में अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें, कि अगर पूरे ऑर्गेनिज्म 100% है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 1%, कितने बच्चों, सिर्फ 1% ऑर्गेनिजम्स वो रेगुलेटर होते हैं, और 98-99% जो ऑर्गेनिज्म है बच्चों वो कन्फर्मर होते हैं। क्या आपने देखा, आपने यहां पर ये समझा कि रेगुलेटर्स इस पूरी दुनिया में सिर्फ 1% है, और 98-99% कौन है, कन्फर्मर है। तो अगर हम रेगुलेटर्स की बात करें, तो रेगुलेटर्स की अगर हम बात करें, तो 2 तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसके आधार पर अगर हम बात करें बच्चों, तो देखिए 2 तरीके के रेगुलेटर होते हैं। पहला होता है ऑस्मो रेगुलेटर और दूसरा होता है थर्मो रेगुलेटर। ऑस्मो रेगुलेटर वर्ड आया है ऑस्मोसिस से,
इसका मतलब क्या है कि अगर हम बोले कि हम अगर किसी ऑर्गेनिजम्स के बाहर अगर सैलिनिटी चेंज हो रही है, मान लेते हैं कोई ये वाटर रिजर्वायर है, यस, और इस वाटर रिजर्वायर में बाहर की अगर हम मान लेते हैं सैलिनिटी, फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं 40 है, कितनी है बच्चों 40 है, और यहां पर कोई ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर की जो ऑस्मोलरिटी है वो कांस्टेंट बनी रहती है, हम मान लेते हैं 30 है, और उस 30 ऑस्मोलरिटी को मेंटेन अगर ये बंदा कर पा रहा है, ये ऑर्गेनिजम्स कर पा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, वो ऑस्मो रेगुलेटर है, मतलब वो बाहर का जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है वो इसके अंदर के एनवायरमेंट को अफेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसके पास प्रॉपर मैकेनिज्म है जिससे ये अपने अंदर के सैलिनिटी को मेंटेन कर पा रहा है। तो अगर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बच्चों तो हम इसको बोलेंगे कि ये ऑस्मो रेगुलेटर है। दूसरी चीज हम लोग बात कर लेते हैं थर्मोरेगुलेटर की। जैसे हम लोग आते हैं थर्मोरेगुलेटर्स में, आपको पता है कि अगर हम कश्मीर चले जाएं तो आपको पता है कश्मीर का टेम्परेचर कितना होता है, 10 डिग्री 12 डिग्री 15 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन तब भी हम अपने बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को 37 डिग्री रख पाते हैं। यस, क्यों रख पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्रॉपर वो मैकेनिज्म है, हम होम्योस्टेसिस प्रोसेस कर पाते हैं। अगर वही हम राजस्थान चले जाए, हम कोई डिजर्ट चले जाएं, तो वहां पर भी हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री हम कर पाएंगे, भले ही वो प्रोसेस एनर्जी एक्सपेंसिव हो। तो हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे, हम लोग आएंगे थर्मोरेगुलेटर्स की कैटेगरी में, अर्थात हम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम लोग क्या हैं, हम लोग रेगुलेटर्स हैं। अर्थात जो भी रेगुलेटर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो टेक्निक मिलती है मेंटेन करने की बच्चों, उसे ही हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस टेक्निक। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, हम बोलते हैं इसको होम्योस्टेसिस टेक्निक। इसमें आप देखिए, इसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीजेस करेगा, इसलिए टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। जैसे सपोज दैट हम अगर कश्मीर चले जाएं, वहां पर ठंड होगी, तो हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और हम प्रॉपर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने आप के अंदर के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, दोज ऑर्गेनिज्म हु कैन रेगुलेट और कॉन्स्टेंट ऑस्मोलरिटी या ब्लड ऑस्मोलरिटी और टेम्परेचर मेंटेन बाय स्वेटिंग या स्वेलिंग। आपको पता है जब हमें ठंड लगती है तो हम कांपते हैं, तो कांपने से क्या होता है बच्चों, कांपने से क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जिससे हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं। स्वेरिंग में क्या होता है, स्वेरिंग हम लोग टिटूरते हैं ना, तो एक्चुअली ये ठंड से बचने की एक मैकेनिज्म है। सेकंड, अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर की जो ब्लड की ऑस्मोलरिटी है उसको मेंटेन कर पाते हैं, तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, रेगुलेटर्स बोलेंगे। अब एग्जाम्पल के रूप में रेगुलेटर जैसे आता है बर्ड, मैमेल्स और लोअर वर्टिब्रेट्स, इनके पास ये कैपेसिटी होती है जो होम्योस्टेसिस प्रोसेस को कर सकते। दूसरा मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स हैव नॉट एनी सच मैकेनिज्म, प्लांट के पास ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं होती कि वो होम्योस्टेसिस प्रोसेस को कर पाए। इसीलिए आपको पता, इसलिए मैंने आपको बताया कि 98-99% प्लांट और एनिमल इस दुनिया में बच्चों कैसे हैं, वो कन्फर्मर हैं, और सिर्फ 1% कैसे हैं, रेगुलेटर है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। तो एक हम लोग ने कैटेगरी समझी रेगुलेटर की, अब हम देखेंगे कि इसमें पार्शियल रेगुलेटर्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम पार्शियल रेगुलेटर्स की बात करें, आप देखें ये ग्राउंड स्क्वायरल है, ये पार्शियल रेगुलेटर्स के तहत आती है। चलो सबसे पहले आप देखें बच्चों, यहां पर पार्शियल रेगुलेटर्स की अगर हम बात करें कि पार्शियल रेगुलेटर्स क्या होते हैं, तो पार्शियल रेगुलेटर्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो शुरू में तो कंफर्मर की तरह बिहेव करेंगे, यस, लेकिन बाद में ये कैसे हो जाते हैं, रेगुलेटर हो जाते हैं। देखिए यहां पर जो पार्शियल रेगुलेटर्स आप देख रहे हैं, तो यहां पर शुरुआत में लाइन कैसी जा रही है, देखो शुरुआत में कैसे ये कंफर्मर की तरह है, लेकिन बाद में कैसे हो जाते हैं, ये पार्शियल रेगुलेटर्स हो जाते हैं। अर्थात ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, रेगुलेटर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर। जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आता है ग्राउंड स्क्वायरल का, यस, आपने देखा होगा इसको, ग्राउंड स्क्वायरल को, और जो ट्री श्रब्स होते हैं वो पार्शियल रेगुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं।
मतलब शुरू में तो क्या होगा, वो एज कंफर्मर की तरह होंगे शुरुआत में, लेकिन बाद में थोड़े समय के बाद वो रेगुलेटर्स हो जाते हैं। लेकिन कैसे रेगुलेटर? पार्शियल रेगुलेटर, बहुत पूरी तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाएंगे लेकिन पार्शियल रेगुलेटर होंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो यहां पर हम लोगों ने समझा कि पार्शियल रेगुलेटर्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारा कैटेगरी रह गई है कंफर्मर की, देखते हैं कि कंफर्मर क्या होते हैं। यस, अगर हम कंफर्मर की बात करें बच्चों, तो यहां पर देखिए कंफर्मर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो उस पूरी दुनिया में कितने हैं, 98-99% हमारे कैसे होते हैं, कंफर्मर होते हैं। कंफर्मर का सीधा सा मतलब है कि ये अपने अंदर के जो इंटरनल इन्वायरमेंट्स है, जो इनका इंटरनल लेवल है, जो इनका इंटरनल इन्वायरमेंट्स है, उसको ये चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल लेवल। अर्थात अगर ये ठंडे पानी में चले जाए तो इनका ब्लड कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अगर ये गर्म पानी में चले जाए तो इनका ब्लड कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसलिए ये ऐसी जगह खोजते हैं जहां पर ये अपने आप को सर्वाइव करा पाए और इनको एनर्जी एक्सपेंस ना करना हो, अर्थात होम्योस्टेसिस प्रोसेस ना हो पाए। अर्थात आपको पता है अगर होम्योस्टेसिस प्रोसेस होगी तो उसमें एनर्जी एक्सपेंसिव है, तो चूंकि होम्योस्टेसिस टेक्निक इनके अंतर्गत होती नहीं है, इनके बॉडी के अंदर होती नहीं है टेक्निक, तो ये उस जगह को खोजते हैं जहां पर ये अपने आप को एडाप्ट करा पाए, यस, प्रॉपर तरीके से अपने आप को सर्वाइव करा पाए। तो अगर हम कंफर्मर की बात करें बच्चों, तो यहां पर देखिए कंफर्मर में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और तो दो तरीके के कंफर्मर हैं। जैसे आप हम बात कर लें आस्मो कंफर्मर की, आस्मो कंफर्मर का मतलब क्या है, देखो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये सार्क है, और सार्क क्या होती है, आस्मो कंफर्मर होती है। मतलब सार्क हमेशा कैसे वाटर में रहेगी, सी वाटर में रहेगी, कभी भी आपको फ्रेश वाटर में सार्क नहीं दिखेगी, यस, क्योंकि वो फ्रेश वाटर में अपने आप को सर्वाइव नहीं करा पाती है। तो अगर हम बात करें कंफर्मर की, तो कंफर्मर का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो मेंटेन नहीं कर सकते अपने बॉडी के अंदर के टेम्परेचर के स्टेट को या सैलिनिटी ऑफ बॉडी को, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कंफर्मर। क्या मैंने बताया, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो अपने अंदर के टेम्परेचर या सैलिनिटी को मेंटेन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग सराउंडिंग एनवायरमेंट्स, ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कंफर्मर। ओके बच्चों, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट कहता है फ्लो अकॉर्डिंग टेम्परेचर। यस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इनके बॉडी का भी, बॉडी में ब्लड का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर बाहर का टेम्परेचर घट रहा है तो इनके बॉडी का भी टेम्परेचर घटेगा। मतलब ये होम्योस्टेसिस टेक्निक नहीं कर सकते हैं। फाइनली अगर ब्लड ठंडा होता चला जाएगा तो हो सकता है फाइनली इनकी डेथ हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, 99% प्लांट एंड एनिमल्स कैसे होते हैं बच्चों, कंफर्मर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑस्मो रेगुलरिटी इज मोर एक्सपेंसिव एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्योंकि जो ऑस्मो रेगुलेटरी, जो ऑस्मो रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है उसमें चूंकि एनर्जी एक्सपेंसिव है, उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है और ये एनर्जी कंज्यूम नहीं कराना चाहते, इसीलिए ये 99% प्लांट और एनिमल आपको उस पूरी दुनिया में कैसे मिलेंगे, कंफर्मर मिलेंगे। अगर हम बात करें छोटे छोटे एनिमल्स की साइज में, तो जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं आपको पता है उनका जो सरफेस एरिया होता है वो बड़ा होता है। जितना छोटा एनिमल होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही बड़ा होगा, और जितना बड़ा एनिमल होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही कम होगा। तो यहां पर क्या कह रहा है कि स्मॉल एनिमल्स जिनकी सरफेस एरिया चूंकि कम होते हैं इन कंपेयर ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम्स के कंपैरिजन में, सो हीट लॉस इन मच होता है इन केस ऑफ आउटर कोर। आपको पता है इसकी वजह से इनका हीट लॉस ज्यादा हो जाता है अगर बाहर ज्यादा ठंड है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए कि हमिंग बर्ड्स और स्लू इसी कैटेगरी में आते हैं। Why opposite in large size animals? अगर हम देखें, अगर आप large size animal देखें, तो large size animal में क्या होता है? उनके volume के reference में जो बाहर का body surface area है बच्चों वो कम होता है। आप देखिए जो भी animals आपको ठंडी जगह में मिलेंगे उनका जो body size मिलेगा बड़ा मिलेगा, है ना? उनके जो कान है बहुत छोटे होंगे, जो hand और leg होंगे बहुत छोटे होंगे,
और जो साइज में छोटे एनिमल्स मिलेंगे वो आपको वहां पर मिलेंगे जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जितना छोटा वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा उनका सरफेस एरिया होगा, तो हीट लॉस वहां पर ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज व्हाई इन कोल्ड प्लेसेस नो फाउंड स्मॉल साइज एनिमल। यही वजह है कि जो ठंडी जगह है वहां पर आपको साइज में छोटे एनिमल्स देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जितना छोटा साइज होगा उतना ही ज्यादा उनका हीट लॉस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? सॉरी, अब चूंकि उनका वॉल्यूम छोटा है और जो बॉडी सरफेस है वो बड़ा है, तो ज्यादा से ज्यादा हीट लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर आपको ठंडी जगह में छोटे साइज के एनिमल देखने को नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको मिलेंगे लार्ज साइज के एनिमल। तो लार्ज साइज के एनिमल अगर उनका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो हीट लॉस कम होगा, जिसकी वजह से वहां पर वो प्रॉपर सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये थे कुछ कन्फर्मर से रिलेटेड बच्चों पॉइंट्स। अब अगर हम बात करें किसकी, आस्मो कन्फर्मर की। आस्मो कन्फर्मर का फर्स्ट पॉइंट कहता है, जैसे आपका एग्जांपल सबसे अच्छा कौन सा है, सार्क है, हैगफिश है, देख रहे हैं ये हैगफिश आप देख रहे हैं, तो सार्क और हैगफिश कैसी होती है, आस्मो कन्फर्मर होती हैं। जैसे आपके एकाइनोडर्मेटा, ये क्या है, आस्मो कन्फर्मर है। अगर हम बात करें मैरीन क्रेल्स की, तो ये क्या है, आस्मो कन्फर्मर है, मतलब ये फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर बाहर का वाटर में जैसी सैलिनिटी होगी और अगर सैलिनिटी बढ़ती जा रही है तो इनके अंदर भी इनके ब्लड में सैलिनिटी बढ़ती जाएगी, ये इसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने देखा कन्फर्मर के केस में कि कन्फर्मर में क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या समझा कि ये अपने अंदर के बॉडी के एनवायरमेंट को मेंटेन नहीं कर सकते, कॉन्स्टेंट स्टेट को बनाए नहीं रख सकते, चाहे बात टेम्परेचर की हो या बात हो सैलिनिटी ऑफ बॉडी की। तो ऐसे के सारे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कन्फर्मर बोलेंगे। ठीक है, चलिए जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब जरा थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं कन्फर्मर के केस में। आप देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो एक्सटर्नल कंडीशन है, जो एबायोटिक फैक्टर है जहां पर ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, यदि एक्सटर्नल कंडीशन थोड़े समय के लिए फ्लक्चुएट करती है, थोड़े समय के लिए चेंज करती है, तब आपको दो तरीके के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। आप देख रहे हैं ये साइबेरियन बर्ड्स है, यस, जो साइबेरिया से उड़ के कहां पर आ जाती है, राजस्थान में आ जाती है, केवलेडो नेशनल पार्क में आ जाती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि बर्फ से पूरा एरिया ढक जाता है, फूड की अवेलेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब चूंकि कुछ समय के लिए होता है तो क्या होता है कि अपने आप को वहां से ये माइग्रेट करा लेते हैं। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, तो यहां पर आपको एक टर्म मिलता है जिसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो वो माइग्रेशन भी बच्चों दो तरीके का होता है, एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है ई फॉर इमिग्रेशन और आई फॉर होता है इमिग्रेशन। इस इमिग्रेशन का मतलब होता है ई फॉर एग्जिट, मतलब जहां पर है वहां से बाहर आ जाएंगे, और इमिग्रेशन का मतलब होता है कहीं से एक नई जगह पर पहुंच जाए, इसको बोलते हैं इमिग्रेशन। अगर हम बात करें माइग्रेशन की बच्चों यहां पे, तो माइग्रेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, देखिए आप क्योराडो नेशनल पार्क जो कि आपका भरतपुर में है, राजस्थान में है, यहाँ पर जो साइबेरियन बर्ड्स आती हैं वो साइबेरियन रीजन से आती हैं, क्योंकि वहां पर कुछ समय के लिए पूरा का पूरा एरिया बर्फ से ढक जाता है, बिल्कुल कोल्ड डेजर्ट बन जाता है, फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए कुछ समय के लिए वहां से निकल के वो कहां पर आ जाते हैं, राजस्थान में आ जाते हैं। तो देखो वहां से निकल के आए हैं, तो जो निकल के आए वो हुआ इमिग्रेशन, और आए कहां पर, क्योराडो नेशनल पार्क में, तो ये हो गया बच्चों आई वाला इमिग्रेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करें। एक टर्म आता है बच्चों सस्पेंड। सस्पेंड के केस में क्या होता है, जरा इसको समझ लेते हैं कि सस्पेंड है क्या। सस्पेंड्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो सस्पेंड आपको दो तरीके का देखने को मिलेगा। देखो यहां पर भालू के बच्चे किस तरीके से अंदर है, बहुत एक गुफा के अंदर चले गए प्रॉपर कुछ समय के लिए। Yes, एक वर्ड आता है एस्टिवेशन और एक वर्ड आता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन जो वर्ड है यूज करते हैं इन केस ऑफ कोल्ड, और एस्टिवेशन वर्ड हम यूज करते हैं समर स्लीप के लिए।
चलिए बच्चों, जरा हम लोग समझ लेते हैं। सस्पेंड में मैंने आपको बताया कि दो वर्ड आते हैं, एक वर्ड आता है एस्टिमेशन और एक वर्ड आता है हाइबरनेशन। एस्टिमेशन को हम एक नया वर्ड नाम देते हैं, उसको बोलते हैं समर स्लीप। क्या होता है कि आपको पता है कि 98-99% जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं, कंफर्मर है, मतलब अंदर अपने अंदर के इन्वायरमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर चेंज नहीं कर सकते हैं, मान लेते हैं बाहर का टेम्परेचर बहुत बढ़ता चला जा रहा है, तो अपने आप को टेम्परेचर से बचाने के लिए ये क्या करेंगे, या तो जमीन के नीचे गड्ढे खोद के चले जाएंगे कुछ समय के लिए, और जब तक टेम्परेचर हाई रहेगा तब तक उस गड्ढे के अंदर ही रहेंगे। इसको हम बोलते हैं समर स्लीप। अगर हम बोले जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, बेस के केस में, स्नेल के केस में, अर्थवर्म के केस में, क्रोकोडाइल के केस में और टार्टवाइज के केस में आपको ये एस्टिवेशन देखने को मिलता है। तो एक्चुअली जो एस्टिवेशन है वो एक्चुअली समर स्लीप हम बोलते हैं, ये टेम्परेचर से बचने का तरीका है। जैसे आप सांप देखे, जो सांप होते हैं बहुत ज्यादा अगर गर्मी पड़ती है तो बिल के अंदर चले जाते हैं, और जब टेम्परेचर कम होता है तभी वो बाहर आते हैं, काफी समय के लिए वो जमीन के अंदर चले जाते हैं। सेकंड पॉइंट आप देखिए, सेकंड होता है हाइबरनेशन। जो हाइबरनेशन वर्ड है बच्चों, ये यूज किया जाता है विंटर स्लीप के लिए। आपको पता है जो नॉर्थ पोल है, जो साउथ पोल है, वहां पर जब बर्फ का जो परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है और फूड की अवेलेबिलिटी रहती नहीं है, तो वहां पर जो पोलर बियर होते हैं बच्चों, वो अपने आप को बचाने के लिए बर्फ के नीचे काफी खुदाई करके नीचे विंटर स्लीप में चले जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइबरनेशन। और ये आपको ये क्यों होता है, टू अवॉइड कोल्ड, ये बहुत ज्यादा ठंड को अवॉइड करने के लिए ये प्रोसेस होती है, जिसको बोलते हैं हाइबरनेशन। ये आपको देखने को मिलता है बी के केस में, ये केस देखने को मिलता है इंसेक्ट के केस में, बर्ड के केस में, और कुछ मैमल्स के केस में, और मुख्यतः आपको देखने को मिलता है पोलर बियर के केस में। तो ये क्या है, क्योंकि भाई ये होमियोस्टेसिस कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसी जगह पर चले जाएंगे जिससे वो एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम टेम्परेचर से अपने आप को बचा पाए। तो अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर से अपने आप को बचा रहे हैं, समर स्लीप में जा रहे हैं बच्चों, तो हम इसको बोलेंगे एस्टिवेशन, और अगर एक्सट्रीम कोल्ड से अपने आप को बचा रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे समर स्लीप, या दूसरे शब्दों में इसको बोलेंगे हाइबरनेशन। और तीसरा एक वर्ड आता है बच्चों, डायपास। डायपास आपको देखने को मिलता है जू प्लांकटन के केस में। जू प्लांकटन में क्या होता है कि जब फेवरेबल सिचुएशन नहीं होती है तो एक ऐसी स्टेज में चले जाते हैं जहां पर ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, अर्थात नो ग्रोथ सिचुएशन में चले जाते हैं, इसको बोलते हैं डायपास। आपको पता है डायपास आपको बैक्टीरिया के केस में भी देखने को मिलता है। आपको पता है कि बैक्टीरिया एंडोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। एंडोस्पोर में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर एक लेयर बन जाती है प्रॉपर कैप्सूल की, जिसको हम बोल देते हैं एंडोस्पोर। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो यही बैक्टीरिया फिर ग्रो कर जाते हैं, इनके ऊपर का कैप्सूल टूट जाता है और फिर ये लाइव कर जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि सस्पेंड वास्तव में क्या है, एक्चुअली कंफर्मर का ही एक टाइप्स है, और इसमें एक्सट्रीमिटी से बचने के लिए ऑर्गेनिजम्स ये तरीके अपनाते हैं, चाहे बात एस्टिवेशन की हो, या बात हाइबरनेशन की हो, या बात डायपास की हो। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा ये सारे टर्म, के रेगुलेटर्स क्या होते हैं, कन्फर्मर्स क्या होते हैं, एस्टिवेशन क्या है, हाइबरनेशन क्या है, और डायपास क्या है। तो बच्चों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लेक्चर्स को जरूर लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो बच्चे यहाँ पर नए हैं बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा प्रोसेस है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमारे ऐप को इसलिए डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि इस ऐप के थ्रू आपको मेरे सारे लेक्चर्स एक जगह मिल जाएंगे, आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्म पे मिल जाएंगे जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा, अगर ये लेक्चर अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे और जो मेरे आने वाले लाइव सेशन है उसके नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर दो मोबाइल नंबर दिए गए हैं, आप डायरेक्ट फोन करके अपने प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे एडाप्टेशन की, देखेंगे कि एडाप्टेशन होता क्या है, टाइप्स क्या होते हैं एडाप्टेशन के, और उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो हमारे नीट और बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बाय, थैंक यू।